good morning class 3rd welcome in online computer class today we start chapter 1 hardware and software we have already learned that computer is an amazing machine that can do different types of jobs it has different parts that work together to form a computer system let us learn more about its part द पार्ट ऑफ़ अ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेन कैटेगरीज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स जैसा कि आप सब पहले से ही जानते हैं कि कंप्यूटर जो है ये एक बहुत ही अद्भुत मशीन है जो कि हमारे विभिन्न प्रकार के कामों को कार्यों को आसानी से कर देता है और कंप्यूटर को एक कंप्यूटर uh, सिस्टम बनाने के लिए इसमें बहुत सारे पार्ट्स एक साथ होकर अपना काम करते हैं आइए इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के हर एक पार्ट के बारे में पढ़ते हैं कंप्यूटर uh, मुख्य रूप से दो भागों में इसके पार्ट्स को बांटा गया है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हार्डवेयर रिफर्स टू दो पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी टच एंड वर्क अपॉन It helps us to communicate with the computer. The computer hardware is mostly attached externally to the computer, but some of the parts are fixed internally. Based on its functions, the hardware of a computer can be categorized into four types. स्टूडेंट्स हार्डवेयर कंप्यूटर के उस पार्ट को कहते हैं जिन्हें कि हम देख सकते हैं छू सकते हैं और उस पर अपना काम कर सकते हैं इन पार्ट्स के द्वारा ही हम कंप्यूटर के साथ आसानी से अपने कार्य को कर सकते हैं मुख्य रूप से कंप्यूटर uh, हार्डवेयर के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि बाहर के बाहर से कंप्यूटर में लगाए जाते हैं लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर होते हैं और ये निर्भर करता है उन पे लगाए गए पार्ट्स के काम करने पर कंप्यूटर हार्डवेयर को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है फर्स्ट इनपुट डिवाइस एंड इनपुट डिवाइस इज यूज टू एंटर डेटा एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर द कॉमनली यूज डिवाइसेस आर फर्स्ट है इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस का यूज़ हम करते हैं कंप्यूटर uh, के अंदर डेटा यानी आंकड़ों को एंटर करने के लिए और जो कि कंप्यूटर को यह इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे कैसे कार्य करना है जो मुख्य रूप से इनपुट डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं वे हैं अ कीबोर्ड हैज़ कीज़ ऑन इट वट एवर वी टाइप यूजिंग द कीबोर्ड इट अपीयर्स ऑन द मोनिटर बच्चों आप सबने की बोर्ड देखा होगा कंप्यूटर के साथ एक कीबोर्ड होता है जो टाइपराइटर के जैसा होता है जिसको हम जिस पे हम टाइप करते हैं अपने डेटा को टाइप करके कंप्यूटर के अंदर उसको स्टोर करते हैं एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर और जो भी हम कुछ कीबोर्ड पर टाइप करते हैं वह हमें कहाँ पर दिखता है मॉनिटर पे अ माउस इज़ द पॉइंटिंग डिवाइस विच अलाउज आज टू गिव कमांड्स एज इनपुट वी यूज़ अ माउस टू पॉइंट एट सेलेक्ट एंड मूव ऑब्जेक्ट्स ऑन द मोनिटर बच्चों आप सबने माउस भी देखा है माउस का यूज़ हम कब करते हैं माउस के एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है जब हम माउस पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर यानी मोनिटर पर एक एरो बनकर आता है जो कि हम जिस भी डेटा पर क्लिक करते हैं वे उस पर पॉइंट करता है और माउस का यूज़ करके हम उससे पॉइंट करके उस डेटा को सेलेक्ट करके एक जगह से दूसरे जगह पर मॉनिटर पर मूव भी कर सकते हैं माइक्रोफोन वी कैन रिकॉर्ड एंड सेंड आवर साउंड्स इनटू द कंप्यूटर यूजिंग अ माइक्रोफोन स्टूडेंट्स माइक्रोफोन के हेल्प से हम अपनी आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर जो है भेज सकते हैं वेब कैम वेब कैम इज़ अ कैमरा दैट इज़ अटैच टू द कंप्यूटर टू कैप्चर वीडियोज़ इट इज़ मेनली यूज़ फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बच्चों वेब कैम क्या होता है वेब कैम के हेल्प से हम वेब कैम को कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं और वेब कैम कैम की हेल्प से हम वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं बना सकते हैं और एक दूसरे से कहीं भी दूर भी हम अगर होते हैं तो एक दूसरे से हम वेब कैम के ज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत भी कर सकते हैं जॉय स्टिक जोए इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। द स्टिक इज़ यूज टू मूव इन एनी डायरेक्शन बाई प्लेइंग गेम्स बच्चों जोए स्टिक्स के द्वारा हम कंप्यूटर पर गेम्स खेलते हैं जॉय स्टिक के हेल्प से जो है हम अपने गेम्स को प्ले करने के लिए खेलने के लिए किसी भी डायरेक्शन में उसको हम मोड़ सकते हैं स्कैनर अ स्कैनर कॉपीज अ पिक्चर और टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन अ पेपर इनटू द कंप्यूटर देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ स्कैनर फ्लैट बेड स्कैनर शीट बेड स्कैनर एंड हैंड हेल्ड स्कैनर स्टूडेंट्स स्कैनर के हेल्प से जो है हम किसी भी कॉपी पर बने हुए पिक्चर या टेक्स्ट को कंप्यूटर में प्रिंट कर सकते हैं और स्कैनर जो होते हैं वे मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं फ्लैटबेड स्कैनर शीट पेड स्कैनर एंड हैंड हेल्ड स्कैनर दीज आर इनपुट डिवाइसेस जॉयस्टिक, माउस माइक टच टैबलेट हैंड हेल्ड स्कैनर फ्लैट फ्लैटबेड स्कैनर आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट devices आर used टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द data. द कॉमनली used आउटपुट devices आर स्टूडेंट आउटपुट devices. वे डिवाइसेस होते हैं जो कि हमें जो भी हम data एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वे हमें monitor पर शो करता है और जो आउटपुट devices ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं वे होते हैं monitor a monitor displays whatever is typed on the screen it also displays the processed information it also called visual display unit vdu the, the output on monitor is called soft copy बच्चों मॉनिटर हमें वह दिखाता है जो भी कुछ हम कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हैं कीबोर्ड से तो वह सारा कुछ हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वी डी, वी डी भी कहा जाता है मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें जो भी हमने डेटा एंटर करा है कंप्यूटर में उसकी सॉफ्ट कॉपी को शो करता है स्पीकर्स वी कैन हीयर साउंडस कमिंग फ्राम द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्पीकरस स्टूडेंट्स आप सबको पता है स्पीकरस को जब हम कंप्यूटर से अटैच करते हैं तो हम कंप्यूटर पर जो भी कुछ साउंड uh, चलाते हैं मूवी देखते हैं गाने सुनते हैं तो उसका जो भी कुछ साउंड होता है वे हमें स्पीकर के जरिए सुनाई देता है हेडफोन द हेडफोन अलाउज अस्टूलिसन साउंड ऑफ़ द कंप्यूटर प्राइवेटली इन आवर्स ईयर्स बच्चों स्पीकर पर जब हम कोई साउंड बजाते हैं तो वो uh, सबको सुनाई देता है लेकिन जब हम हेडफोन को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से और उसे अपने कान पर लगाते हैं तो जो भी कोई साउंड है वे केवल हमें ही सुनाई देता है प्रिंटर अ प्रिंटर हेल्प अस टू प्रिंट ऑन अ पेपर वॉट वी सी ऑन द मोनिटर स्क्रीन द आउटपुट प्रिंटेड ऑन अ पेपर इज़ कॉल्ड हार्डवेयर बच्चों प्रिंटर से क्या होता है हमें अगर कंप्यूटर में से कोई टेक्स्ट या पिक्चर की कॉपी uh, चाहिए ठीक है प्रिंट चाहिए तो प्रिंटर के द्वारा जब हम प्रिंटर को अटैच करते हैं कंप्यूटर से तो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर जो पिक्चर या टेक्स्ट दिखाई दे रहा है जिसकी हमें प्रिंट आउट चाहिए वह प्रिंटर के द्वारा हमें बाहर एक पेपर पर आ, हार्ड कॉपी के रूप में मिलती है प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर डिस्प्लेस इमेजेस एंड वीडियोज़ फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन अ लार्ज स्क्रीन बच्चों प्रोजेक्टर के हेल्प से हम एक बहुत बड़े स्क्रीन पर मॉनिटर की स्क्रीन तो छोटी होती है तो अगर हम प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से अटैच करते हैं तो हम एक बहुत बड़ी वाइट कलर की स्क्रीन पर उस प्रोजेक्टर के द्वारा कंप्यूटर पे जो भी हम वीडियो चला रहे हैं उसे एक हम एक बड़े स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं दीज आर आउटपुट डिवाइसेस वेब कैम माइक्रोफोन प्रिंटर हेडफोन Monitor, speakers, and webcam. Students, that's all for today. Uh, we will continue this chapter next week. Thank you.